डीसी मार रहे हैं आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार, मैं उषा मुख्तार। अभी हम मौजूद है हरसूल चटवाड़ा रोड पे डैम के पास। आप देख सकते हैं आज का जो तूफानी बरसात थी इस कदर तेज थी हवा के साथ में कि पानी जो है पूरा ऊपर से जा रहा है, ब्रिज जो है दिख भी नहीं रहा है, इतना बरसात हुई। आइए जानते हैं अभी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज जो बरसात हुई हवा के साथ तूफानी पानी, क्या कहेंगे? देखिए पूरे शहर के हालात ख़राब है। अगर आप शहर का दौरा करेंगे तो पूरे शहर के ही हालात ख़राब है। अभी हम यहाँ पर जब मौजूद हैं तो अभी दो मिनट पहले यहाँ से सड़क गई है। कल जो है तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे था और शहर औरंगाबाद तारीखी शहर है साहब, और तारीखी शहर का ये हाल है कि अभी सड़कों पर चल नहीं सकते। शहर के कमिश्नर ये करते हैं कि हम साइकिल ट्रैक बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर पैदल चलने वालों को भी जो है तो सुविधाएं नहीं है। कई झाड़ गिर चुके हैं, कब्रस्तानों में पानी भर चुका है, लाइट के खंभे गिर चुके हैं और जो है तो कई मकानात गिर चुके हैं। अभी तक ऐसी कोई जानी नुकसान की जो है तो खबर नहीं मिली है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और चूंकि मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल से आता हूँ तो मैं इमीडिएट कलेक्टर साहब से ये निवेदन करता हूँ कि आप जो है तो अभी सर्वे करें और तुरंत इन लोगों के लिए रेस्क्यू का इंतजाम करें। और जो है तो ये जो हालात यहाँ बने हुए हैं, अभी डैम के चारों तरफ लोग मौजूद हैं, लोग जज्बाती होते हैं और लोगों को ये एक मौका पिकनिक का हो गया, लेकिन कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब को ये चाहिए कि यहाँ से लोगों को खाली करें। अगर जो कोई भय जाता है, आप खुद देख रहे हैं किस तरह से जो है तो पानी का बहाव चल रहा है, अगर इस बहाव के अंदर कोई भय जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सबसे पहले इंतजामिया को ये चाहिए कि यहाँ से लोगों को खाली करे। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से निवेदन करता हूँ कि हमारे शहर के बल्दिया के कमिश्नर साहब का प्रमोशन किया जाए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनके जो है तो कार्यकाल के अंदर शहर में खूबसूरत गड्ढे हैं, इनके कार्यकाल के अंदर शहर में कहीं भी सड़कें आपको नजर नहीं आएगी, इनके कार्यकाल के अंदर जो है तो लाइट का सिस्टम खराब है, तो मैं समझता हूँ इनको जो है तो प्रमोशन देना चाहिए। साथ ही आज जो है तो ये यहाँ के कॉलेज में एग्जाम था, अभी जो है तो कई पेरेंट्स में जब यहाँ पर दाखिल हो रहा था तो पेरेंट्स ने मेरे को रोक लिया कि साहब हमारे बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हो सका तो हमने क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप कलेक्टर साहब से बात करें, तो मैं भी कलेक्टर साहब से ये निवेदन करता हूँ जो बच्चे आज एग्जाम नहीं दे सके उनको अगली डेट दी जाए और उनका एग्जाम लिया जाए ताकि उनका साल खराब ना हो। ऑलरेडी कोविड के वजह से साल खराब हो चुके हैं। मैं यही कहूँगा कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब से, कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब से, कि बारिश का जायजा लेते हुए, बारिश को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जिन लोगों के मकान गिर गए और जो लोग इस तालाब के आसपास हैं इनकी तत्काल मदद की जाए, और शहर में जगह जगह जहाँ झाड़ गिर गए हैं और गड्ढे ज़्यादा हुए हैं इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। मैं ह्यूमन राइट काउंसिल के जनाब हमारे तैयब साहब ने जो कहा है मैं उनसे सहमत हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से ये कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि तत्काल इस शहर का सर्वे करें और लोगों को जल्द से जल्द मदद करें। अभी जो हमने कुछ लोगों से कहना चाहेंगे, हम यहाँ से कम से कम 25 साल से रहे थे, इसका कुछ भी हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। ये तालाब का कुछ भी होता नहीं, इधर पुल बनना होना, कुछ भी होना, गरीब आदमी है, सबका भला होना, बस ऊपर कुछ। अभी यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बातचीत करी और यहाँ से जो रहवासी लोग से भी हमने बातचीत करी, इनका यही कहना है
के जो आजू बाजू जो बस्ती है उन्हें भी बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत तकलीफ हो चुकी भी है। इसीलिए महानगर पालिका से यहाँ के जो बस्ती वाले हैं उन्हें जो है साइड में किया जाए, और लोगों ने यहाँ से जमा करके रखे हुए वो समझ रहे कि ये कोई पिकनिक पॉइंट है, तो मेहरबानी करके इन्हें रोका जाए, उन्हें दूर किया जाए पानी से। और जो ये दीवार दिख रही जो तालाब के पास की जो दीवार है वो जो है कभी भी टूट सकती है, और यहाँ की बस्ती वालों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कैमरा मैन जावेद खान के साथ मैं उसे गुप्तार, आप देखते रहिए औरंगाबाद समाचार। अभी जो है तलाटी हर्ष में जो लोग हैं यहाँ मौजूद है, आइए उनसे बात करें। बात बताइए आज यहाँ मौजूद है आपके और भी लोग आए हुए यहाँ पे, तो किस तरह के हालात देख सकते हैं आप? क्या है 12,000 हजर है, लोकांना सूचनाही देतो, सगळं सांगतो किंवा पाण्यापासून दूर राहा आणि काही प्रॉब्लेम आला तर तलाठी बी एन दिराडे तलाठी सध्या। अभी हमारे साथ में मौजूद है अमूल देवकर सर, जो हरसूल से जो है प्याई साहब है, उनसे बातचीत करते हैं। पानी जो लोग समझ नहीं पा रहे, अभी तो इधर बंदोबस्त लगाया है हमें, उस साइड पर हम लगाएंगे तो अभी इधर जगवाड़ा रोड का जो जितना भी ट्रैफिक है उधर इधर क्लोज किया है, पानी रोड के ऊपर से बह रहा है, इसलिए इधर कोई मत आना मत, इधर आएंगे तो बहने का बहुत खतरा है। सर एक बार बताइए, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग भी आवाज़ दे रहे हैं, आपके लोगों की आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे जो वहाँ खड़े रहेंगे, तभी भी सभी वहाँ पर डर सकती है और कितनी हादसा हो सकता है, जान का नुकसान हो सकता है, क्या कहेंगे? मैं अभी आपको उनको बताए हर बार बताए, लेकिन आए जा रहे हैं।